हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपिन ट्यूटोरियल्स। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ एनआईटीज। यू नो, व्हेन यू फिल द काउंसलिंग फॉर्म, यू नीड टू फिल द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ एनआईटीज दैट विच यू वॉन्ट टू गो। ऑलराइट, व्हेन दिस प्रोसेस विल स्टार्ट फॉर यू नो, जैसे ही आईआईटी की काउंसलिंग ओवर होती है, आईआईटीज की काउंसलिंग खत्म होती है, तब हमें सीसीएमएन काउंसलिंग, दैट मींस एनआईटीज की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सो बेसिकली प्रेफरेंस ऑर्डर, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एनआईटी जयपुर चाहिए, जिसको आपने सेकेंड प्रायोरिटी दे रखी है, और फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने एनआईटी त्रिची दे रखी है। अब क्या हुआ कि सेकेंड या थर्ड राउंड में आपको एनआईटी त्रिची मिल गया, और आपने सेकेंड प्रेफरेंस आईटी जयपुर दे दी थी गलती से, और आपको वही चाहिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने उसको सेकंड प्रेफरेंस दे रखी और त्रिची आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा, आपको त्रिची मिल गया, तो अब उसके बाद आप वापस से एमएनआईटी जयपुर नहीं ले पाओगे। ऑलराइट, दिस इज द बेसिक, मतलब यहाँ पे बेसिक स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बट यू नो आई एम स्टडिंग ऑन एनआईटी राउरकेला, एंड मेरे स्टूडेंट मतलब जो मेरे जूनियर्स हैं, बहुत सारे एनआईटीज, डिफरेंट डिफरेंट एनआईटीज में, तो यू नो आई हैव अ कंबाइंड आइडिया कि यार कौन से एनआईटी में क्या चल रहा है, कैसा है ना। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता रहती है। तो ऑन विच बेसिस शुड बी डिसाइड प्रेफरेंस ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बट मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, डोंट गो विद द फ्लो। यू नो, आपको कैसे चूज करना है वो मैं आपको समझा सकता हूँ, वो आप अपने बेसिस पे डिसाइड करो, किसी पे ऐसे मत जाओ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे चार ऑलरेडी यहाँ पे बॉक्सेस बना रखे हैं, ऑन रिसर्च बेसिस, प्लेसमेंट बेसिस, अब्रॉड स्टडी रिलेटेड एंड नेट गेट रिलेटेड थिंग्स। ऑलराइट, तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ यहाँ पे। बेसिकली अगर मैं आपको रिसर्च बेसिस पे बात करता हूँ पहले, तो सपोज लेट मी जस्ट, या अगर मैं यहाँ पे आपको रिसर्च बेसिस पे बात करूँ, रिसर्च बेसिस, यू नो वी ऑल नो दैट इन एमएससी वी नीड टू डू द प्रोजेक्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग इज एमएससी प्रोजेक्ट। वेल माय राइटिंग इज नॉट सो गुड, सो प्लीज यू कैन मैनेज इट। दस द ओके सो आई टॉक अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट द एमएससी प्रोजेक्ट। दिस इज द क्रुशियल थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो इफ यू वॉन्ट टू यू नो परस्यू योर करियर इन रिसर्च, और यू वॉन्ट टू डू अब्रॉड स्टडी, दिस प्रोजेक्ट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी यू नो इट इज द क्रुशियल थिंग दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर करियर इन रिसर्च फील्ड। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, यू नो इफ यू वॉन्ट टू डू पीएचडी इन इंडिया, और इफ यू वॉन्ट टू डू पीएचडी इन अब्रॉड, दिस थिंग विल बी अप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ दैट। तो देखो बेसिकली होना क्या है, एमएससी प्रोजेक्ट में यू नीड टू सेलेक्ट अ प्रोफेसर, ऑल राइट, और उनके अंडर रह के आपको काम करना पड़ता है। सेलेक्ट अ प्रोफेसर, सेलेक्ट अ प्रोफेसर, एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपके पास देखो अब तो सारी चीजें ऑफलाइन हो गई, सो यू यू विल गेट अ सफिशियंट टाइम कि आप अपने प्रोजेक्ट में काफी अच्छा टाइम दे सकते हो। सपोज अभी आप एमएससी फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे, तो किसी प्रोफेसर के अंडर पहले से आपको इंटरेस्ट है। सपोज यहाँ पे जैसे आपको किसी स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरेस्ट है, किसी को ऑर्गेनोमेटेलिक्स इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, ओएमसी में इंटरेस्ट है, किसी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ऑलराइट, और फिजिकल की बात करूं तो किसी को सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको अपना करियर रिसर्च में बनाना है, तो यू नीड टू यू नो आपको पहले भी पता होगा कि यार मुझे ऑर्गेनिक अच्छे लगते हैं, या ऑर्गेनोमेटेलिक्स या फिजिकल अच्छे लगते हैं, तो मुझे इस पे काम करना है। एक चीज तो सबका क्लियर होता है यार, ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये अभी क्लियर नहीं होता कि यार मुझे किस फील्ड में पीएचडी करना है, लेकिन किस फील्ड में करना है वो नहीं क्लियर है। तो एक चीज तो आपका फेवरेट होता है, मोस्टली सबका ही फेवरेट होता है। सपोज जैसे मान लो ऑर्गेनोमेटेलिक्स आपका फेवरेट है, तो उसके बेसिस पे अभी आपको करना है क्या, सपोज आपकी गुड अच्छी रैंक आ रही है, आपको टॉप एनआईटीज मिलने के चांसेस है। ठीक है, टॉप एनआईटीज में मैं किसकी बात करूंगा, त्रिची की, राउरकेला की, सूरतकल की, एमएनआईटी जयपुर की, तो इन सारी वारंगल की भी, तो इन सारी एनआईटीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें आप देखो कि आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स में अपना करियर बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो कि इन टॉप एनआईटीज में ऑर्गेनोमेटेलिक्स में किस में काम अच्छा होता है, कौन से प्रोफेसर हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में काम करते हैं,
उनका बैकग्राउंड कैसा, उनके पेपर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। आई नो दिस विल बी अ टफ जॉब, क्योंकि इतना इजीली पेपर समझ में आता नहीं है, फिर भी ट्राई करो। अब यू नो, अगर प्रोफेसर्स अच्छे मिल गए आपको, आप पहले से ही देख लो कि यार ये चीजें हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में ऐसा काम होता है, उन सर ने ये किया, मुझे भी ये इंटरेस्ट है, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे इंडिया से भी पीएचडी करने के लिए, अब्रॉड से पीएचडी करने के लिए। अब अब्रॉड से पीएचडी कैसे, क्या, उसका एक बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग अब्रॉड कैसे जाते हैं, कॉलेजेस का रोल होता है कि नहीं होता है, वो डिफरेंट वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरेस्ट है, तो यू नीड टू चेक द प्रोफेसर्स लिस्ट। आपको क्या करना है, जो भी रेंज में आपको एनआईटीज मिल रही हैं, तो उस रेंज की 5-6 एनआईटीज को आप लिस्ट बनाओ, वहां के वेबसाइट पे जाओ, डिफरेंट एनआईटीज की वेबसाइट पे जाओ और देखो कि कहाँ पे क्या काम होता है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईआईटी मद्रास में है प्रेजेंट टाइम, उसने, क्योंकि यार हम जनरली ऑर्डर प्रेफरेंस क्या करते हैं, आईआईटी बॉम्बे देते हैं, फिर दिल्ली दे देते हैं, फिर मद्रास, फिर कानपुर, तो ऐसा दे देते हैं। और उसको इंटरेस्ट था कि इसमें ड्रग डिस्कवरी में इंटरेस्ट था, बट वहां पे जब वो मैड्रेस में चला गया तो उसने देखा कि यार वहां पे मैड्रेस में तो ड्रग डिस्कवरी पे काम ही नहीं होता, जबकि उसका इंटरेस्ट उसी में था, उसको अपना करियर ड्रग डिस्कवरी में बनाना था। तो इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है जब आप फ्लो के साथ जाते हो, जब आपको सब लोग एक नॉर्मल ट्रेंड बना देते हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दिस एमएससी प्रोजेक्ट विल बी अ क्रुशियल इंपॉर्टेंट थिंग। सो इस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, यू नीड टू गिव अ सम टाइम टू रिसर्च, खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोफेसर्स की लिस्ट बना लो यार, देखो, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता तो पहले से उनको मेल करके पूछो, है ना। तो ये एक बेसिस हो गया। नाउ सेकेंड बेसिस इज अबाउट प्लेसमेंट। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि एनआईटीज के प्लेसमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियोस, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एनआईटीज का प्लेसमेंट कौन सी कंपनी आती है, कितना देती है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, मेरा चैनल सर्च करो सेपेन ट्यूटोरियल, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेसमेंट वीडियोस में आपको ढेर सारा त्रिची, राउरकेला, सूरत कल, वारंगल, जयपुर, इन सब का आपको क्या मिल जाएगा, प्लेसमेंट वीडियो। तो अगर मैं स्पेसिफिकली प्लेसमेंट की बात करूँ, प्लेसमेंट में देखो एमएससी स्टूडेंट्स को जनरली दो ही जगह जाते हैं वो स्टूडेंट, पहला कोचिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपको अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना होता है। दूसरा होता है कि यार अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो यू नो जो बीटेक की एमटेक की कंपनीज आती, वी आर ऑल्सो एलिजिबल, एमएससी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, बट यू नो जनरली एमएससी स्टूडेंट डजेंट नो अबाउट द कोडिंग थिंग, सो दैट्स वाई उनको वहां पे हो नहीं पाता। बट इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन कोडिंग एंड ऑल, देन यू कैन चूज वाइजली। तो अगर मैं इनफैक्ट सिर्फ प्लेसमेंट में उसकी बात करता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की, तो आपको अगर प्लेसमेंट देखना है तो जयपुर विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज जयपुर में क्योंकि यू नो कोटा इज द हब ऑफ आईआईटी जेई एंड नीट, ओके, और जयपुर वहां के पास में, तो वहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज आती हैं, आकाश, एलएन, बंसल, रेजोनेंस, फिडजी, बहुत सारा इंस्टीट्यूट वहां पे आता है। तो आप जयपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना, देन आप सूरतकल को सेकेंड में डालना, वारंगल को थर्ड में डालना, राउरकेला को फोर्थ में डालना और फिफ्थ में त्रिची डालना। फोर्थ और त्रिची और राउरकेला ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद सिक्स में आप नागपुर डालना, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, सिक्स ये हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद मतलब बाकी के एनआईटीज में भी शायद मैं कुछ एक दो एनआईटी भूल भी गया हूँ लिखना, तो आप देख लेना। तो उसके बाद देखो ये छः छः का मैं सीक्वेंस बता सकता हूँ, इन सब का छः का मैं वीडियोस भी बनाया कि कौन सी कंपनी आई है, क्या कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे डाल सकते हो, सपोज आईएसटी सिपुर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, या यूट्यूब वीडियो जो आईएसटी सिपुर को थोड़ा नीचे रखती है, बट अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आईएसटी सिपुर में जो होता है, जहाँ तक एज पर माई नॉलेज जो स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है वो मुझे बताते हैं कि यार यहाँ पे पढ़ाई मतलब यू नो एक एनवायरमेंट हेल्दी एनवायरमेंट रहता है, तो आईएसटी शिवपुर, दैट्स वाई मैं हमेशा नागपुर के नीचे आईएसटी शिवपुर को रखता हूँ। तो आप प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर ये सोच रहे हो, तो अगर आपको टॉप एनआईटीज में मिल रही तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे के देखो आती तो कंपनीज यहाँ पे भी है, बट बहुत कम होती है, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप किसी को भी दो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखते हैं किसके बारे में, या अब्रॉड स्टडी, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको, अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड, तो यू नीड टू डू
ये जो एमएससी प्रोजेक्ट है इसके बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा अब्रॉड स्ट्रीम फायदा होगा। क्यों? सपोज आप एमएससी प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा कर लेते हो, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा, आप फर्स्ट ईयर से ही किसी प्रोफेसर से पहले अप्रोच करके उनके अंडर काम करने लगते हो, तो आपका कोई अगर, क्योंकि आपका पर्सनल पेपर जल्दी नहीं पब्लिश होता है, बट जिसके अंडर आप किसी पीएचडी स्टूडेंट के अंडर काम करोगे, तो अगर उनका कोई पेपर पब्लिश होता है तो दे विल, इफ अगर तुमने अच्छा काम किया है तो दे विल गिव योर नेम ऑल्सो। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपका कोई पेपर पब्लिश हो जाता है, अब अब्रॉड में अप्लाई करते हो, यू विल हैव अ ग्रेटर चांस, मतलब आपका हो ही जाएगा, ये तो मैं श्योर। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको नेट और गेट की तैयारी करनी है, तो हम सबको पता है यार, बेसिकली होता क्या है कि नेट गेट के लिए अगर प्रिपरेशन की मैं बात करूँ, अगर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर यहाँ मैं, तो जनरली हमको पता है दिल्ली, जयपुर, ये सब जगह पे ही अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जाम के लिए, तो उसके लिए देखो मोस्टली सब ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, तो आप फिर ये जो मैंने ट्रेंड लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट क्या लेते हैं, ऑनलाइन बैचेस ही लेते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप अपना देख लो आपके लोकेशन के हिसाब से कौन सा पास पड़ रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट का भी आप थोड़ा सोच रहे हो, तो इस अकॉर्डिंग आप अपना देख लो। ठीक है, तो ये बेसिस होता है कि आपका किस बेसिस पे प्लेसमेंट, आप किस बेसिस पे आपको प्रेफरेंस डिजाइन करना है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ यू नीड टू थिंक एंड प्लीज डोंट गो विद द फ्लो, जो सब सब बता दे रहे, एक ऑर्डर बता दे रहे, उस पर मत जाओ। हाउ टू डू चॉइस फिलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ त्रिची रखा, सेकेंड ये, तो जब आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा तो इस ऑर्डर में देना कि सपोज आपको राउरकेला चाहिए, लेकिन आपने राउरकेला को सेकेंड नंबर पर रख दिया, त्रिची को पहले नंबर पर, और कोई राउंड में आपको त्रिची मिल गई, तो फिर आपको राउरकेला बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, ये आपके हाथ से चला जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको ये, बाकी जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, आई विल हेल्प यू, आई विल मेक अ वीडियोस, क्योंकि वीडियोस के ही थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई ट्राई टू, यू नो, मैं कमेंट्स आपके रीड करता हूँ, बट इतने ढेर सारे होते हैं, इट्स अ टफ जॉब कि मैं सबका इंडिविजुअल रिप्लाई कर सकूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो आई होप यू गेट द, यू नो, यू गेट द हाउ टू डिसाइड एंड वॉट आर द थिंग्स, वॉट बेसिस शुड वी डिसाइड द प्रेफरेंस ऑर्डर। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो या थैंक यू सो मच।